हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो वायरल बात करने वाले हैं वायरल मैसेज के बारे में। दोस्तों, एक मैसेज वायरल हो रहा है जो कि है राजस्थान CHO के रिजल्ट के बारे में। आज हम उस मैसेज के बारे में बात करेंगे, क्या वो सच है या गलत है और क्यों। अगर सच है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है, दोस्तों दोनों बात करेंगे हम। और उससे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आप सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों, और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करें हमारी तरफ से। हम यहाँ पे ऐसी न्यूज़, वैकेंसी से रिलेटेड पोस्ट करते रहते हैं, बहुत सारे MCQs भी हम आपको करवाते रहते हैं और बहुत सारे लेक्चर्स भी आपको बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड ईजी वे में आपको मिलेंगे। तो अभी आप आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद आगे बढ़े दोस्तों। और तो चलिए शुरू करते हैं। ये वायरल मैसेज है दोस्तों, इसके सच झूठ की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं इसके अंदर है क्या। एक नंबर है यहाँ पे, एडवोकेट लिखा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती 2020 मामले में आज हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। विभाग की तरफ से स्टे हटाने की रिक्वेस्ट के साथ डायरेक्टर महोदय उपस्थित हुए, ठीक है, यानी कि जो डायरेक्टर महोदय थे वो भी जो है कोर्ट के समक्ष मौजूद हुए, उपस्थित हुए। जज साहब ने 31 मार्च तक दोबारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन ग्रीवेंस लेने, ठीक, 31 मार्च तक वापस जो है ग्रीवेंस जो है पोर्टल चालू किया जा सकता है। ये इसके लिए वो किया, 9 अप्रैल तक सभी ग्रीवेंस का निस्तारण करने के आदेश दिए और सभी अभ्यावेदनों के निस्तारण के बाद ही रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए। इससे पहले विभाग रिजल्ट जारी नहीं करने के आदेश दिए, मतलब उससे पहले रिजल्ट जारी नहीं करना है, इसके जो निस्तारण हो जाएगा, यानी कि आप जो है इसकी सच झूठ की बात करें तो दोस्तों ये जो है सच है, ठीक है। जो है भरत बेनीवाल जी ने भी इस बात पर अपनी बात रखी कि ये सही बात है, ऐसा हुआ है। तो वैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो मेरे पास नहीं है, जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन अभी के लिए आप इसको सच मानकर चले दोस्तों, बिल्कुल फेक नहीं है। और ग्रीवेंस कुछ लोगों की रह गई है, बिल्कुल गुने गिनो चुने कुछ लोग हैं जिनकी ग्रीवेंस जो है उन्होंने नहीं डाली है, तो उनकी ग्रीवेंस जो है 31 मार्च तक वापस आपत्ति मांगी जाएगी उनसे। कुछ OBC, NCL, EWS, MBC, NCL, RNC, फिजिकल हैंडीकेप्ड सभी मामलों के निस्तारण के आदेश दे दिए गए हैं। एडवोकेट कोमल सिंह गिरी, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर, ठीक है, ये कोमल सिंह गिरी एडवोकेट है राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के। और फिर यहाँ पे एक न्यूज़ का आर्टिकल भी है दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने पूजा कुमारी की याचिका 26/3/2021 पर यह दिया आदेश। CHO भर्ती को लेकर आज 26/3/2021 को जयपुर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को यह आदेश दिया है कि विभाग वापस 31 मार्च तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आपत्ति ले तथा उन सभी आपत्तियों का निस्तारण 9 अप्रैल तक करें, तब तक रिजल्ट घोषित नहीं करें। इस दौरान OBC, MBC, PH और EWO का इसका भी निस्तारण करें, ठीक है दोस्तों। तो इसके सच के लिए तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं 9079183655, तो ये कोमल गिरी गोस्वामी एडवोकेट, ठीक है, और ये इनके नंबर है। सॉरी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये नंबर है 9079183655, ठीक है। तो इस नंबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है दोस्तों बिल्कुल सही है, और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी फेक नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि फेक है, फेक नहीं है दोस्तों। ग्रीवेंस जो है बहुत सारी ग्रीवेंस थी, तो उन्होंने बोला, माननीय वकील साहब नहीं, जज साहब को बोला उन्होंने कि इसको जो है जज साहब को बोला गया दोस्तों उन तरफ से कि जो है जल्दी से जल्दी हमें रिजल्ट जो है वो करना है, और हमारे ऊपर से जो है स्वास्थ्य जो विभाग, उन्होंने ये बोला कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हम रिजल्ट घोषित नहीं करेंगे, तो जो है बहुत ज़्यादा हमारा हमको जो है, और रिजल्ट काफ़ी टाइम, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इनको जो है 31 तारीख से पहले पहले इनको रिजल्ट जारी करना ज़रूरी है, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम लाइन होती है, ठीक है, टाइम लाइन होती है किसी भी चीज़ के लिए। हर हर स्टेट में आप देख सकते हैं 1 से 2 महीनों के अंदर जो है CHO के एग्ज़ाम हो रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहे हैं, और साथ साथ में क्या स्टार्ट हो रहा है जो कोर्स है CCH का, वो भी 1 से 2 महीनों के अंदर ही स्टार्ट हो रहा है। आप किसी भी स्टेट को ले सकते हैं, चाहे आप बात कर लें, यहाँ पर आप बात करें चाहे MP की बात कर लें, चाहे आप चाहे MP की बात करें, चाहे UP की बात करें, चाहे बिहार CHO, ठीक है, बिहार को ऐसा थोड़ा एजुकेशन में थोड़ा पिछड़ा हुआ राज्य मानते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी टाइम से टाइम चीज़ें हो रही है। UP, MP और बहुत सारे जो स्टेट हैं वहाँ पर, आप उत्तराखंड CHO की बात करें, लगभग लगभग सारे CHO समय से अपना काम करा रहे हैं, और राजस्थान CHO अगर समय से काम नहीं करेगा तो इसकी जो वैल्यू है
सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने वो थोड़ी नीचे होगी, तो इसलिए ये खुद भी चाहते हैं जल्द से जल्द जो है रिजल्ट को घोषित कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही जो अभ्यर्थी हैं वही चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी घोषित हो, ये रिजल्ट जल्दी घोषित होना सभी चाहते हैं, सभी मतलब जो ऑफिसर्स वगैरह हैं जो स्वास्थ्य विभाग में या जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो भी चाहते हैं कि जल्दी घोषित हो जाए और 31 मार्च से पहले पहले। उसके अलावा बेनीवाल जी ने भी यही बात की है दोस्तों कि 31 मार्च से पहले पहले भी वो कोशिश करेंगे कि जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो कम से कम आप 31 मार्च को लेकर चलिए, उससे पहले तो रिजल्ट जारी नहीं होने वाला है। और ये आपके नोटिफिकेशन थे, अगर इसके ऊपर कोई भी दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको आपके सामने उसको लेकर जरूर प्रस्तुत होऊंगा। तो उसके लिए आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरे वीडियो की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे।